को एक बिल्ली के पीछे आया था शायद, वो बिल्ली तो भाग गई लेकिन वो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते डायरेक्ट हमारे घर के अंदर झांक के देख रहा था। और हम लोग वहाँ पे बैठे थे सब लोग, और मेरे बीवी ने बोला वो देखो कौन आया है मेहमान, तो हमने बोला अरे ये तो लेपर्ड है, फिर उसने हमें देखा और चला गया। आदिवासी कहते हुए मुझे बहुत अभिमान होता है कि आदिवासी मतलब आदि से रहने वाले मूल निवासी यहाँ के, और उनकी एक सभ्यता है, उनके कल्चर है, और वो कभी भी पर्यावरण को निचोड़ती नहीं है, उसके साथ चलती है। तो अब एक चैलेंज यह है कि ये कैसे बचाया जाए, कि ये वारली पेंटिंग खाली वारली पेंटिंग नहीं है, उसको वो हमें बहुत सारी एक पहचान देता है। जहाँ जिस घर में वारली पेंटिंग दिखेगी वो ऑटोमेटिकली लोग समझ जाते हैं हाँ ये लोग आदिवासी लोग हैं। मैंने बोला दादाजी आपको कैसे पता चला कि इस साल में ज़्यादा तूफान नहीं आएगा और बारिश कम आएगी, या फिर बारिश ज़्यादा आएगी तूफान आएगा? तो बोलते हैं और हम लोग पंछियों के घोंसले देखते हैं, अगर पंछी ने घोंसला मजबूत डाली में बना दिया, जो शाखाएँ है उसमें मजबूत शाखा में, तो समझ लेना कि इस साल में बहुत तूफान आने वाला है और बहुत बारिश गिरने वाली है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, इनको पूछो। बोल बोल काय सुबह ठंडा बटाटा पाहिजे काय आदिवासी म्यूज़िक भी एक्सटेंट होते जा रहा है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स एक्सटेंट होते जा रहे हैं। हम ऐसे बहुत ट्राइबल म्यूज़िक सुनते हैं, ऐसे अफ्रीकन होता है, यहाँ के जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरी दुनिया को पता है कि ये तबला है, सितार है, वीणा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ज़िंदा करें हमारे म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करके। पद्धती आहेत ऐतिहासिक, यारणाचा मूळ निवासी जीव आणतो परसर मातीत, प्राण हिरवा माझा देव आहे वागोबा, प्रगती तुमच्या बाधा आमच्या जंगलात न मागवा, पैसा किती दाखवाल भौतिक सुखाचे साखरवाल, भविष्य तुमचे हायला पाडवी जगतो हायतोर। और हम लोग यहाँ पे मुंबई में है, जहाँ पे गोरेगांव आर्य कॉलोनी बोलते हैं यहाँ पे, और ये कम से कम ये एरिया पूरा जंगल 3200 एकड़ का है। हाँ, जंगल एक साइड होता है, सिटी अलग बाजू होते हैं, लेकिन ये सिटी के बीचों बीच जंगल है। यहाँ पे जंगल बचने का एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, और जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं ना वो आसपास जंगल रखते ही है, उनको वो बचाते ही, फाइट ही करते हैं, क्योंकि जंगल के बगैर वो नहीं रह सकते। नहीं डर लगता, क्योंकि हम लोग सच्चाई से हम लोग झगड़ रहे हैं ना, हमारे हक के लिए
हमारे अधिकार के लिए, तो हम क्यों डरे? Statement that there will be no further cutting of trees in the RA forest. मैं ऐसा लिखा हूँ, पूरा वर्ड्स आप जब सुनोगे वाली रिवॉल्ट का, उसमें आई हैव बिकम प्रकाश वर्ड एंड ही इज रैपिंग थ्रू मी एंड द ट्रीज आर रैपिंग थ्रू मी, द बर्ड्स आर रिबेलिंग. तो वैसा सोच के मैं लिखा, आई केप्ट माई सेल्फ असाइड. जब कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है ना, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ का जो आरे प्रशासन है वो उस प्रशासन को देता है. तो जब वो प्रोजेक्ट में हमारा गांव चला आता है, मतलब जाता है नहीं, मतलब वो बॉर्डर मार लेते हैं, तो फिर वहाँ के लोगों की हालत बुरी हो जाती है. बहुत बार ये सर्वे के लिए आते हैं यहाँ पर कि हमें आपका सर्वे करना है, तो सर्वे के पहले लोग नोटिस लगाते हैं. वो नोटिस लगाते हैं कि झोपड़पट्टी पुनर्विकास अंतर्गत आपका सर्वे करना है, तो हम लोग झोपड़पट्टी का सर्वे करने आ रहे हैं इस तारीख को. तो हम लोगों ने नोटिस देखा, बोला भाई झोपड़पट्टी कहाँ है? अरे क्या, बोले ये झोपड़पट्टी नहीं है, हम इसको झोपड़ी नहीं बोलते, हम लोग घर बोलते हैं. और झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना आदिवासियों को लागू नहीं है, आपका जे आर है गवर्नमेंट का. और अगर झोपड़पट्टी पुनर्विकास के अंतर्गत हम आते नहीं, तो आप कैसे हमारे सर्वे कर सकते हैं? तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, जानबूझ के इसको झोपड़पट्टी डिक्लेयर करते हैं. पहले झोपड़पट्टी स्लम एरिया डिक्लेयर करेंगे, और फिर स्लम एरिया के जो नियम है वो लागू करेंगे, और इसके तहत हमें शिफ्टिंग करेंगे. तो हम लोगों ने बोला कि पहला वो नोटिस के ऊपर घर लिखिए, आदिवासी गाँवठान आदिवासी पाड़ा. तो उनको समझ में आया कि ऐसा हम लोग लिखते हैं एक बार गाँवठान या आदिवासी पाड़ा, तो ऑटोमेटिकली झोपड़पट्टी पुनर्विकास रद्द हो जाता है. Because if you see everywhere in India it's happening, they are taking forest lands, आदिवासियों की जगह लेके उनके culture को destroy करके कुछ value नहीं देके. और वो एक एक पुकार है लोगों को, और वो एक resist करने के लिए एक दीवार है कि मना करने के लिए कि हाँ यहाँ पर नहीं हो सकता ये चीज़. There is no halfway thing कि अभी इसको छोड़ दिया, एक गाना बनाया छोड़ दिया, अभी घर पे जाके सो जाओ, ऐसा नहीं है. कि मुद्दा तो चल ही रहा है ना. एंड आई नो दे आर स्ट्रॉन्गर, बट जब भी मैं सोता हूँ मैं एकदम खुशी और शांति से सोता हूँ. मैं ऐसे दिमाग में करप्शन के साथ नहीं सोता हूँ. माझा आन जंगलात झाड बेलरा ना तल्या पाखरात फल फूल किडा मासे एक सारे जनावर आपला परिवार आधी खात पित फळ वावर वेचून शेती केली पुढ फिरून पीक आवळ भरून आभार पूर्वजांच नाव नाही त्यांचं कोणत्या कागदात लाल माती लाल रगात याच्या वरच कोणतं देऊ सर्टिफिकेट वाघ देव येतो उंबरात घर माझं हिरव्या गार सावलीत पाया संग पाय टाकून चुलत बाप या बाय मिळू नाही चुकून ऐकून राजाचे हुकुम नसे ही काळी आई आमची धान्य देते आम्हाला वाघोबा आमचा देव आम्ही पूजतो या त्याला. ही काळी आई आमची धान्य देते आम्हाला वाघोबा आमचा देव आम्ही पूजतो या त्याला.